कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। आइए रुक करते हैं अब तक की कुछ खास खबरों की ओर। गगनयान की टेस्ट फ्लाइट लॉन्च, इसराइल हमास युद्ध काहिरा में आज शांति सम्मेलन, कई देश होंगे शामिल। कच्चे तेल के दाम में गिरावट, पटना से लेकर गुरुग्राम तक सस्ता हुआ पेट्रोल डीजल। डेरोगेटरी पोस्ट के लिए डोनाल्ड ट्रंप पर लगा $5,000 का जुर्माना। नवाज शरीफ 4 साल बाद आज लौटेंगे पाकिस्तान। अब खबरें विस्तार से। गगनयान का पहला ट्रायल सफल हो गया है, बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल की सफल लैंडिंग हुई। इसराइल हमास के बीच जारी युद्ध को लेकर आज बहुत अहम दिन है, काहिरा में आज शांति सम्मेलन होगा, इसके युद्ध को लेकर बातचीत होगी, कई देशों के नेता इस सम्मेलन में शामिल होंगे, रूस चीन और जापान के नेता भी शामिल रहेंगे। नई दिल्ली मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, वहीं चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम में बदलाव हुआ है, यहाँ पेट्रोल 11 पैसे और डीजल 9 पैसे महंगा होकर ₹102.74 और डीजल ₹94.33 लीटर मिल रहा है। नई दिल्ली में पेट्रोल ₹96.72 और डीजल ₹89.62 लीटर मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल ₹106.31 और डीजल ₹94.27 लीटर और कोलकाता में पेट्रोल ₹106.03 और डीजल ₹92.76 लीटर मिल रहा है। अमेरिकी जज ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर $5,000 का जुर्माना लगाया है क्योंकि उन्होंने कैंपेन वेबसाइट डेरोगेटरी पोस्ट की थी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की आज वतन वापसी होगी, वह दुबई से स्पेशल फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज पिछले 4 साल से लंदन में डेरा डाले हुए। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए FirstBite.tv।